सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पोको ने अपना एक और न्यू फोन लॉन्च कर दिया है जो कि है पोको X3। तो इस बार पोको ने काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्पेक्स के साथ पोको X3 को लॉन्च किया है। लास्ट टाइम जब पोको X2 लॉन्च किया था तो उसके जो स्पेक्स थे और जो डिज़ाइन था वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इस बार पोको ने जो X3 में डिज़ाइन दिया है, स्पेक्स दिए हैं और जो उसकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तगड़े स्पेक्स में काउंट की जाएगी अगर हम देखा जाए तो। और 20,000 के अंडर में ये स्पेक्स आपको एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बना देते हैं पोको X3 को। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में और देखेंगे कि इसका कैमरा सेटअप कैसा है, क्योंकि कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो पोको F1 जो कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन रहा है पोको की तरफ से। तो अगर आप पोको F1 का कुछ सैंपल्स देखना चाहते हैं तो करंटली ये वीडियो खुद मैं पोको F1 से शूट कर रहा हूं और ये है इंडोर क्वालिटी। अगर आप इसकी आउटडोर क्वालिटी देखना चाहते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाती है। तो इसका एक सैंपल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसी फ़ोन से कई सारी वीडियो शूट की हैं और आप उनकी कैमरा क्वालिटी को देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, यहाँ पर हम 64 या पर 48 मेगापिक्सल की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पोको X3 के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज रंजीत शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो पोको X3 में आपको कम्प्लीटली एक फ्रेश डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस बार अगर हम बात करें तो पोको में किसी भी शाओमी के किसी भी फ़ोन का आपको रीब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली एक फ्रेश है और यहाँ पर अभी तक की कोई भी डिज़ाइन आपको किसी और फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो ये यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी बात निकल के आ जाती है। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ इसके चिपसेट के बारे में तो इस बार आपको मिल जाता है पोको X3 में स्नैपड्रैगन का 732G चिपसेट जो कि अभी तक किसी फ़ोन में यूज़ नहीं किया गया है। तो ये इंडिया में पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको ये चिपसेट ऑफर किया जाता है। और अगर हम इसी चिपसेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये चिपसेट 720G और 730G से थोड़ा एडवांस होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी इस चिपसेट में। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बारे में तो इस बार आपको 1.0+ लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि काफ़ी एक हेल्प करेगा अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह करते हैं तो। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको 6.67 इंच के फुल HD+ IPS पैनल वाली LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आती है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये यहाँ पर काफ़ी एक यूनिक बात निकल के आती है, आपको LCD डिस्प्ले में ही 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बना देता है अदर फोन से सेम प्राइस में। और ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आती है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। तो डिस्प्ले में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन पोको X3 में आपको कोई भी एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन अगर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ होती तो शायद इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता और शायद ये 20,000 के अबव चला जाता। तो यहाँ पर अगर आपको LCD डिस्प्ले मिल रही है उसी के साथ आपको इतना कुछ देखने के लिए मिल रहा है जैसे 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट और बेटर ऑप्शन हो जाता है अदर फोन से। और देखा जाए तो ये IPS पैनल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर डिस्प्ले निकल के आएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी इनफ है। और उसी के साथ अगर हम रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके प्राइमरी लेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर मिल जाता है। और इसके बाद आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस इसी फ़ोन में आपको मिल जाता है। तो बेशक नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में काफ़ी बेटर कैमरा आपको ये ऑफर कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी कैसी देगा ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा।
तो अब बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में और क्या बैटरी आपको ऑफर कर रहा है पोको एक्स थ्री। तो पोको एक्स थ्री में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे देगी। इसी के साथ आपको 30 watts का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर पोको ने काफ़ी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि अगर उन्होंने 6000 mAh की बैटरी दी है इस फोन में तो कहीं ना कहीं उन्होंने फास्ट चार्जिंग को भी थोड़ा इम्प्रूव करके 30 watts का फास्ट चार्जिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फोन है काफ़ी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा अगर आप इसे काफी टाइम तक यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसका जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। फ्रंट में बेशक आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है आपके फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा लाइट भी कर देती है। यहाँ पर आपको जो वेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है अगर बैक साइड में आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो पोको ने काफ़ी बड़ी बड़ी अपनी ब्रांडिंग की है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइट करने वाली चीज़ की गई है पोको की तरफ से, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं कहीं भी तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो जो इसका 664 GB वेरिएंट है वो आएगा 17,000 rupees में, और इसके बाद जो इसका 6 128 GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 18,500 rupees में, और जो इसका लास्ट वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वो आता है 20,000 rupees में। और ये जो फ़ोन है ये आपको दो कलर ऑप्शन के साथ मिल जाता है। तो अगर आप अंडर 20,000 rupees एक फ़ोन देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है। और अगर आप इसको परचेस करते हैं तो मैं समझता हूँ जो रेडमी के फ़ोन्स हैं उनसे तो काफ़ी बेटर आपको ये फ़ोन एक्सपीरियंस दे देगा। तो ये था एक कंप्लीट पैकेज पोको एक्स थ्री का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। और सच बताऊं तो अगर आप 20,000 के अंडर कोई भी फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर अदर ब्रांड से मैं इसे कंपेयर करूं या शाओमी से खुद से भी मैं इसे कंपेयर करूं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है पोको एक्स थ्री। और ये है मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।